बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 5 है, इस पे टेक्शन स्टेट सम मैटर। ये मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे मादा कहा जाता है। इसके बाद बेटा इसकी स्टेट्स हैं, इसकी हालतें हैं। ये जो मादा है ये 4 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड जो है बेटा ये मोस्ट कॉमन स्टेट है, लिक्विड जो है वो लेस कॉमन स्टेट है, गैस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर है, यानी मादा की सारा तरीन शक्ल, और जो प्लाज्मा है ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। ये बेटा एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद बेटा गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एक दूसरे से रैंडम मोशन के जरिए, तो ये एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी इनकी, तो ये क्या बनाएंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। इस प्रोसेस को आप नाम देंगे बेटा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो गैस के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। जितना गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना उसमें डिफ्यूजन जो है वो तेज़ होगी, अगर गैस का मास ज़्यादा है तो उसमें डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगी। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें जो डिफ्यूजन का रेट है वो ऑक्सीजन से 4 गुना ज़्यादा होता है। वजह क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से हाइड्रोजन में जो डिफ्यूजन है वो तेज़ होगी। कितने गुना तेज़ होगी? 4 गुना। ऑक्सीजन में क्या होगी? कम होगी। इसके बाद देखें बेटा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू ए टिनी होल टुवर्ड्स लेसर प्रेशर, यानी कम प्रेशर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल का एक बारीक सुराख के जरिए बाहर आना एफ्यूजन कहलाता है। एफ्यूजन भी बेटा गैस के मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है डिफ्यूजन जो है वो तेज़ होगी, अगर मास ज़्यादा है तो डिफ्यूजन स्लो होगी। इसके बाद देखें मतलब प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी इसके फी सतही रकबे पर लगाई जाने वाली जो फोर्स होती है उसको प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर को बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर दम ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है बेटा ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। यानी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो कौन सा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। बैरोमीटर दूसरा है, मैनोमीटर, ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको प्रेशर मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए, यानी कि इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है इसको मालूम करने के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। दूसरा जो मैनोमीटर है, लेबॉरेटरी में जो प्रेशर होता है यानी लैब के अंदर, इसको यूज़ करते हैं मैनोमीटर। इसी तरह और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको प्रेशर, जिससे प्रेशर जो है वो मालूम किया जा सकता है, जैसे प्रेशर गेज है, ठीक है, मर्करी मैनोमीटर है, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक देखें, अगर मसला तो फिर आप पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।